यूपी के बुलंदशहर में इंटर कॉलेज के भीतर क्लासरूम में एक नाबालिग छात्र ने दूसरे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण क्लासरूम में सीट पर बैठने को लेकर हुए विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सूरजभान इंटर कॉलेज में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज के भीतर क्लासरूम में एक छात्र ने दूसरे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गया। कॉलेज में सरेआम गोलीकांड होने से छात्रों में भगदड़ मच गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने कॉलेज से कुछ दूरी पर आरोपी छात्र को भी लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का दावा है कि टार्जन की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि आखिर हत्यारोपी छात्र पिस्टल लेकर क्लासरूम तक कैसे पहुंचा और हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे गया। तो वहीं बुलंदशहर एसएसपी का दावा है कि क्लासरूम में कुर्सी पर बैठने को लेकर कल दोनों छात्रों में विवाद हुआ था। आज सुबह आरोपी छात्र अपने फौजी चाचा की लाइसेंसी पिस्टल लेकर क्लासरूम में पहुंचा और छात्र की गोली मार कर हत्या कर दी। हत्यारोपी और मृतक छात्र नाबालिग हैं। ये थाना शिकारपुर में सूरजभान सरस्वती इंटर कॉलेज है जहाँ कक्षा 10 के छात्र, जिसमें अभियुक्त की उम्र भी लगभग 14 साल है और जिस बच्चे को गोली लगी है उसकी मृत्यु हुई है उसकी भी उम्र 14 साल है। बताया गया है कि कल क्लास में बैठने को लेकर दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर के अभियुक्त छात्र सनी, जो 14 वर्ष का है, अपने चाचा जो फौज में नौकरी करते हैं, घर आए हैं छुट्टी पर, उनकी लाइसेंसी पिस्टल रिवॉल्वर चुरा के लाया और क्लास में उसने दूसरे छात्र टार्जन को गोली मार दी। मौके से ही छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, असलहा बरामद है और घायल छात्र की मृत्यु हो चुकी है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।